लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए पर हमारा शो जिसका नाम है क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। ये एक ऐसा शो है जिसके क्रिकेट के एपिसोड रोज ऑन एयर होते हैं और इसके एक एपिसोड में पूरी दुनिया में जितनी भी क्रिकेट होती है वो समराइज करके मैं आप लोगों के सामने पेश करती हूँ। एंड यू श्योरली डोंट वॉन्ट टू मिस आउट ऑन ईच एंड एवरी एपिसोड। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ उसके साथ जो बेल आइकॉन होता है उसको प्रेस कर दें सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम अस। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए मैंने नीचे टाइम चैप्टर्स दे दिए, जो भी आपको जिस भी अपडेट के बारे में जानना हो आप नीचे टाइम चैप्टर्स को क्लिक करके देख सकते हैं। सबसे पहले तो अगर बात की जाए, आप यू नो आप लोग सोचते होंगे कि यार ये कैसी होस्ट है जो एक ही बात रोज हर एक एपिसोड में करती है, ये क्या मतलब हो रहा है। तो भाई सिर्फ आप लोग थोड़ी ही, मेरे नए आने वाले सब्सक्राइबर्स भी हैं तो उनको भी तो यू नो थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि अगर इफ़ देयर न्यू, जिस तरह से एक स्कूल में एक क्लास में नया बच्चा आता है तो आप उसको सारे स्कूल का सिस्टम दोबारा से रिपीट करके बताते हैं, उसी तरह से मैं अपने नए सब्सक्राइबर्स को अपने शो की हिस्ट्री के बारे में बताती हूँ कि बेसिकली ये स्टार्ट कैसे हुआ, इसका पर्पज़ क्या है और उनको क्यों शो देखना चाहिए। तो ये कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ कुछ यू नो आपके गोल्स होते हैं जो आपको डिफाइन करने पड़ते हैं बार बार नए आने वाले के लिए। सबसे पहले तो आज की वीडियो में हम पाकिस्तान क्रिकेट को कवर करेंगे, आईपीएल की मुंबई इंडियंस की टीम में क्या तमाशे हो रहे हैं उसको कवर करेंगे और बांग्लादेश वर्सेज श्रीलंका का टेस्ट मैच कवर करेंगे जो कि पहला टेस्ट मैच था। ठीक है जी, सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेट में क्या हो रहा है। यार आपको पता होगा, आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान का जो है वो 39 मेंबर्स का जो है वो एक स्क्वाड अनाउंस हुआ था, एक कमेटी अनाउंस हुई थी एंड दोज प्लेयर्स वर सपोज्ड के वो जो है काबुल जाके प्रैक्टिस करेंगे आर्मी कैप कैडर एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है ना, तो वहाँ पे कुछ ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जो अभी भी नहीं पहुँचे, जिस तरह से बाबर आजम है, जिस तरह से नसीम शाह और बाकी भी, जिस तरह से इफ्तिखार अहमद है, तो ये जो प्लेयर्स थे ये उमरा करने गए थे ठीक है मक्का मदीना में और एक्सपेक्टेड क्या डेट है इनके वापस आने की वो है वेंसडे। ठीक है, वेंसडे को जो है ये लोग आ जाएंगे और ये भी अपनी उस कमेटी को जो है जो इनका एक पूरा स्क्वाड बनाया गया है उसको ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन जितने प्लेयर्स जो है वो पहुंच गए हैं, जिसमें इमाद वसीम है, जिसमें मोहम्मद आमिर है, शाहीन जाफरीदी और बाकी भी प्लेयर्स, उनकी आज आपने एक पिक्चर देखी होगी जो बड़ी वायरल हो रही है एबटाबाद के एक ब्यूटीफुल से वेदर में जो है उसको इंजॉय कर रहे हैं और कैंप भी हो रहा है, बदर मजे का जो है सारा इन्वायरमेंट बना हुआ है। अब अनफॉर्चुनेटली उधर मसला क्या है, उधर मसला ये है कि वहाँ पे मीडिया अलाउ नहीं है। ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल भी मीडिया अलाउ नहीं है, कोई भी पिक्चर्स वगैरह, तो जो आप प्लेयर्स खुद ही पिक्चर्स लेके अपलोड करें आप सिर्फ वही देख सकते हैं और कुछ भी आप कवरेज जो है उसकी नहीं देख सकते। और एक तरह से अच्छा भी है, थोड़ा सा उनको यू नो पर्सनल स्पेस, पर्सनल टाइम भी मिल जाएगा। तो ये जो है अपडेट है और ये जो आपको बताते चलूँ, ये जो पूरा आर्मी का अंडर जो एक प्रैक्टिसिंग की कैंप है ये 8 अप्रैल तक जो है वो जारी रहेगी, उसके बाद जो है वो प्लेयर्स को फ्री कर दिया जाएगा। और जो लेटेस्ट है जिनको नहीं पता, वो 2016 में हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान ये बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ 3 बार हो चुका है और जब भी हुआ है इसके बाद जो पाकिस्तान का जो भी टूर्नामेंट जो भी सीरीज आती है पाकिस्तान उसमें काफ़ी बेहतर परफॉर्म करके या तो सीरीज की नाम कर लेता है अपने या तो किसी टूर्नामेंट के फाइनल या सेमीफाइनल तक लाजमी जाता है। तो क्या हम इस कैंप की वजह से T20 वर्ल्ड कप जीत पाएंगे या जीत नहीं भी पाते तो सेमीफाइनल या फाइनल में जगह पाए बना पाएंगे, उसका हमें तभी पता चलेगा जब एक बार सारी चीज़ें फाइनलाइज होकर हमारे सामने आ जाएंगी। दूसरी डिबेट जो पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज़्यादा छिड़ी हुई आजकल वो क्या है, वो ये है कि हाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कैप्टन कौन होगा इन टर्म्स ऑफ T20 फॉर्मेट। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये ऐसी बात क्यों कर रही है, लाइक शाहीन शाहफरीदी जो है वो ऑलरेडी हमारा अनाउंस्ड कैप्टन है, तो क्या उन लोगों को जिनको नहीं पता शाहीन शाहफरीदी के अंडर जो है पाकिस्तान ने 5 मैच T20 सीरीज खेली थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो कि पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से हारा था। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान जब से शाहीन शाहफरीदी पाकिस्तान के कैप्टन बने तब से लाहौर कलंदर्स जिन्होंने डिफेंडिंग चैंपियंस थे इस सीजन के, और ना सिर्फ वो बल्कि उन्होंने 2 बैक-टू-बैक टाइटल्स जीते हुए पाकिस्तान के जो है जब वो कप्तान बने तो उनको पास लाहौर कलंदर्स में जो जिसे कहते हैं ना एक बहुत बड़ी लग्जरी वो उनके पास नहीं थी जो कि राशिद खान की शक्ल में थी। तो राशिद खान के जाते ही जिस तरह से उन्होंने यू नो टीम को मैनेज किया एंड ही वाज नॉट एबल के वो अपनी टीम को एक अच्छा स्टार्ट देते, एक अच्छा एंड देते और उनकी टीम जो है वो बॉटम पे जो है बॉटम नंबर पे रह के जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हुई। उन्होंने सिर्फ 10 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच जीता था
एक आठ मैच हारे थे और एक मैच जो है वो बारिश की नज़र हो गया था। तो इस सब कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए चेयरमैन बीसीसीआई मोहसिन नकवी ने जो है वो फैसला किया था कि शाहीन शाह अफरीदी विल बी नो मोर अ कैप्टन, यू नो। अब ये आप कह रहे हैं कि मैं आपको बिल्कुल ऑफिशियल या अनाउंस्ड एक चीज़ नहीं बता रही, ऑफिशियल अनाउंस जिसे कहते हैं ना वो नहीं बता रही, वो इसलिए नहीं बता रही क्योंकि अभी डायरेक्टली बात नहीं की गई। जब चेयरमैन पीसीबी, अब डाउट कहाँ से पैदा हुआ, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीसीबी से सवाल किया गया कि क्या आप, मतलब अगर आपने रखना ही कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी को है तो आप उसको ऑफिशियल अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब वाई आर यू नो सॉर्ट ऑफ टैंगलिंग द थिंग्स, आप क्यों नहीं उसको अनाउंस कर रहे हो डायरेक्टली। और उसके अलावा उन्होंने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से ये भी कहा कि आप उसको क्यों परेशान कर रहे हो ना फजूल में। तो इस सवाल पे जो है, जर्नलिस्ट के एक सवाल पे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ये बात की कि देखें हम भी अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, अभी हम सोच रहे हैं और हम देखेंगे कि हमें कप्तान जो है वो किसको बनाना है। अब क्या, अब इससे आपको साफ साफ पता चलती है एक बार कि शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी खतरे में है और वो होगी क्योंकि जिस तरह का यू नो एक उन्होंने बना के रखा है शेप एंड ही इज़ नॉट एबल एंड ही इज़ नॉट रेडी टू एडमिट हिज मिस्टेक्स, वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरा है और काफ़ी ज़्यादा एक थ्रेटनिंग जिसे कहते हैं ना अलार्मिंग पॉइंट है वो पाकिस्तान के, ही इज़ नॉट एबल टू मेंटेन दैट वन यूनिटी सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जब आपको एक लीडर बनाया जाता है एक सेक्टर का, ठीक है। और जब इसी स्टांस पे जब इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर से सवाल किया गया कि क्या उनको क्या लगता है कि किसको कप्तान होना चाहिए, तो उन्होंने यही कहा कि वी आर टू अर्ली, तो हम हमेशा ईगर रहते हैं, हमेशा यू नो जल्दी में होते हैं किसी को भी जज करने के लिए। तो उन्होंने यही बात की कि शाहीन शाह अफरीदी को अभी आपने कप्तान बनाया है, आप फौरन से आप उससे अपना ट्रस्ट हटा के आप उसको हटा नहीं सकते, थोड़ा सा उसको टाइम दो। एक बुरा सीजन एक बुरी सीरीज ये नहीं डिफाइन कर सकती कि वो किस तरह का किस कैलिबर का कप्तान है। अब बहुत सारे लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को यू नो शाहीन शाह अफरीदी ने अपने वश में कर लिया है और मोहम्मद आमिर से तो है जो उन्होंने सेटिंग कर ली होगी यू नो आईएलटी टी20 के दौरान, और इमाद वसीम के साथ वो पीएसएल में काफ़ी ज़्यादा आसपास उनके क्लोज नज़र आते थे तो उधर उन्होंने बातचीत करके इन दोनों को अपनी साइड पर कर लिया जो कि इनकी कप्तानी को डिफेंड कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर का जो पॉइंट है वो बहुत वैलिड है, ऐसा ही होना चाहिए। पर्सनली अगर मुझे देखें, मुझे लगता है कि हम देखिए जज तो बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं, उसमें तो कोई बात नहीं ना, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। जब बाबर आजम कप्तान था तो हम कहते थे शाहीन को बनाओ, अब शाहीन बनाए तो हम कह रहे हैं कि शाहीन को कप्तानी से हटाओ। तो हम बीइंग फैंस बहुत ज़्यादा कभी कभी क्रिटिकल हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम कितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। बट आई फील लाइक के रिजवान जो है ना, ही इज़ अ मोस्ट सॉर्ट ऑफ डिजर्विंग यू नो कैंडिडेट फॉर द पोजिशन ऑफ कैप्टनसी। बट अगैन यहाँ पर आप कुछ कह नहीं सकते हो, अगर फिर वही रिजवान फेल हो जाते हैं तो फिर आप तब भी कुछ नहीं कह सकते। बट रिजवान का एक बहुत बड़ा फैक्टर जो उनको कप्तानी की पोजीशन के लिए सपोर्ट करता है वो है उनकी पीएसएल में कप्तानी। पीएसएल में जो उनको मुल्तान सुल्तान दी जाती है वो उनको चाहे जैसी मर्जी उठा के दे दो, अनअवेलेबल रिसोर्सेज के साथ उठा के दे दो, रिलीफ सो अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ उठा के दे दो, वो हमेशा उस टीम को टॉप पे एंड करते हैं। उस टीम का जो एक पूरा ऑरा होता है, जो उसका कैंपेन होती है, वो टॉप ऑफ द टेबल पे एंड करवाते हैं। और सबसे हर दफ़ा मुल्तान सुल्तान एंड्स यू नो देयर कैंपेन बीइंग द फर्स्ट फाइनलिस्ट, यानी कि वो पहली टीम होती है जो फाइनल में अपनी जगह बनाती है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा होता है कि जो मास्टर माइंड है ना बेसिकली वो मोहम्मद रिजवान का है इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी। शाहीन शाह अफरीदी को तो आपने सिंपल जो है वो सारी अवेलेबल रिसोर्सेज दे दी थी, उसमें कोई भी कप्तान अच्छी कप्तानी कर सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू टेक्टिकल टेक्निकल एंड स्मार्ट कैप्टनसी, देन द फर्स्ट चॉइस इज ऑलवेज गॉट टू बी मोहम्मद रिजवान। इस बात पे आप लोगों का क्या रद्द अमल है, डू टेल मी इन द कॉमेंट्स बिलो। अब कप्तान कौन होगा कुछ नहीं पता, बट दिस इज हाउ इट इज। चलते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ जो के है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नया कोच कब मिलेगा, कब अनाउंस होगा। मैंने आप लोगों को से एक बात अपनी यू नो एक वन ऑफ माय एपिसोड्स आई डिस्कस दिस विद ऑल ऑफ यू के जो है मोहसिन नकवी जो है उन्होंने कहा था कि आने वाले 10 दिन बहुत ज़्यादा अहम होने वाले हैं क्योंकि उसमें हमारा जो है नया कोच अनाउंस हो जाएगा और नया कैप्टन भी। लेकिन नया कैप्टन का तो पता नहीं है, नया कोच भी नहीं मिल रहा। अब ल्यूक रोंकी इज दैट वन पर्टिकुलर प्लेयर जिसका नाम सामने आ रहा है फॉर द डेजिग्नेशन ऑफ हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अब इसको पाकिस्तान ने पिछले साल भी जो है वो अप्रोच किया, ल्यूक रोंकी एक्चुअली रिजेक्टेड द ऑफर ऑफ पाकिस्तान हेड कोच। फिर उसके बाद उनको जो है ग्रांट ब्रैडबर्न को जो है वो अपॉइंट किया गया था एज हेड कोच ऑफ पाकिस्तान टीम। अब इस साल उनको फिर से बुलाया गया, उनसे कहा गया है यू नो पिछले साल हुआ ये था कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक तो उनकी पोस्ट बढ़ा दी थी यानी कि उसको असिस्टेंट हेड कोच भी बना दिया था और
सॉरी असिस्टेंट कोच भी बना दिया था और उनकी सैलरी में भी इजाफा कर दिया था, जिसकी वजह से ल्यू क्रॉन्के ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मना कर दिया था। लेकिन इस साल क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। ल्यू क्रॉन्के, इफ आई टेल यू अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट हिम, तो उन्होंने ना सिर्फ न्यूजीलैंड से बल्कि ऑस्ट्रेलिया से भी सीरीज खेली, सॉरी क्रिकेट खेली हुई है, और 5-6 उन्होंने आई गेस मोटे मोटे ओडीआई मैचेस खेले हुए जिसमें उन्होंने अच्छे खासे रन स्कोर किए हैं। तो मतलब वो अच्छे जबरदस्त प्लेयर है, माइस्ट्रोस उसके नाम है बहुत सारे। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए उसने 3 सीजन खेले, 2018-2019 और 2020 का। और 2018 में जब वो खेले थे फाइनल इस्लामाबाद की तरफ से, तब वो लोग फाइनल जीते थे और उसमें जो हाईएस्ट रन स्कोरर था पूरे टूर्नामेंट का वो ल्यू क्रॉन्के था इस्लामाबाद यूनाइटेड का, 400 समथिंग उसके रन थे। तो यहाँ पे आपको मतलब बंदा शो कर रहा है कि उसके एक्सपीरियंस बहुत है, मुंबई इंडियंस के साथ भी रह चुके हैं और वैसे भी इनका जो है क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा वैस्ट एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से ही कैन बी अ बिग एसेट फॉर पाकिस्तान अगर तो ये एज हेड कोच आ जाते हैं। अब उनका क्या जवाब होने वाला है, क्या वो पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे फॉर द डेजिग्नेशन ऑफ हेड कोच, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट आई एम रियली एक्साइटेड कि अगर इनका हाँ में जवाब आ जाता है तो फिर पाकिस्तान, और क्योंकि जिस तरह के ये बैटर हैं, जिस तरह का इनका बैटिंग स्टाइल है, यू नो प्लेइंग स्टाइल है, दैट इज़ वेरी एग्रेसिव, बहुत इन्होंने इनकी स्मार्ट और एग्रेसिव और ऑस्ट्रेलियन अप्रोच है जो कि पाकिस्तान के बैटर्स के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। तो लेट्स सी कि क्या होता है, बट आई एम रियली एक्साइटेड। क्या आप एक्साइटेड हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि यार ये सारी चीजें तो डिस्कस हो रही है एट अ साइड, बट देयर इज वन पर्टिकुलर थिंग जो कि जिससे पूरा आईपीएल का एनवायरनमेंट खराब किया हुआ है, और वो है हार्दिक पांड्या का एटीट्यूड। अब सबको पता है कि जब हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस की कैप्टनसी छोड़ के जो है मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी पकड़ी थी, तो ना सिर्फ उनको मुंबई इंडियंस के फैंस से गालियां खाने को मिली थी, बल्कि गुजरात टाइटंस के फैन भी उनसे बहुत ज़्यादा नाराज हुए थे। उन्होंने कहा था कि हार्दिक पांड्या अपने आप को समझता क्या है, इतना एटीट्यूड क्यों है इसमें, इसने हमारी टीम की कैप्टनसी छोड़ दी थी, इसको ये लगता है कि हम इसके बगैर कुछ भी नहीं है, क्या अगर हम ये हमारी टीम के साथ एसोसिएटेड है तो क्या हमारी टीम जीत नहीं पाएगी, एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, बहुत मतलब ना डिसलॉयल्टी के उस तरह के इल्ज़ाम लगाए थे। मुंबई इंडियंस में बात करें तो उधर वहाँ पर ये शोर मचा हुआ था कि रोहित शर्मा को हमारी कप्तानी से क्यों हटाया, मुंबई इंडियंस की कप्तानी से। इवन मुंबई इंडियंस से अपने मिलियंस में फॉलोअर्स लूज कर दिए थे उस दिन जब यू नो हार्दिक पांड्या को अनाउंस किया गया था एज द न्यू कैप्टन, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो हलचल मची हुई थी, और हार्दिक पांड्या को दोनों साइड से बहुत हेट मिल रहा था। ना सिर्फ ये बल्कि जब मुंबई इंडियंस ने अपना पहला इस सीज़न में आईपीएल का मैच खेला तो पूरा क्राउड जो है उसने हार्दिक पांड्या का बू किया, और सबको जो है वो रोहित शर्मा को सपोर्ट कर रहे थे, रोहित शर्मा के नाम के नारे थे। और जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा को ट्रीट किया था वो बहुत गलत था, जिस तरह से वो उसको यूं यूं कर रहे थे, मतलब अब वो मुझे इतना बुरा नहीं लगा पर्सनली, क्योंकि इतने शोर में आप बोल नहीं सकते, आवाज़ नहीं आती, तो आप हाथ से इशारा कर सकते हो। लेकिन जिस तरह से का एटीट्यूड था हार्दिक पांड्या का, एंड ही वॉज वेरी एरोगेंट, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को बॉलिंग में प्रमोट किया, बैटिंग में प्रमोट किया, जहाँ पे प्रमोट करना चाहिए था वहाँ पे किया नहीं, जहाँ पे नहीं करना चाहिए था वहाँ पे कर दिया। ये कुछ चीज़ें होती हैं, फैक्टर्स होते हैं जो शो करते हैं कि आप कितने डेस्परेट हो कि आप अपना यू नो अंदर की आग, अंदर की जिसे कहते हैं गुस्सा दिखाओ आने वाले लोगों को। और आपने एक चीज़ इस पूरे इन्वायरमेंट में नोट की होगी कि जसप्रीत बुमराह जो कि सीनियर खिलाड़ी हैं मुंबई इंडियंस की, उनकी जितनी भी एसोसिएशन है, जितनी भी टॉक्स हैं, वो सारी रोहित शर्मा के साथ थी। पहले मैच में जब उनको बॉलिंग जब भी करवाने आते थे, जब भी फील्ड रिप्लेसमेंट्स चाहिए होती थी, तो कभी भी कप्तान हार्दिक पांड्या के पास नहीं जाते थे, वो हमेशा रोहित शर्मा के पास जाते थे, उनसे सब कुछ डिस्कस करके इम्प्लीमेंट करते थे। इसका मतलब ये कि जसप्रीत बुमराह का हार्दिक पांड्या के साथ रिलेशन ख़राब है, और यानी कि ये कि मुंबई इंडियंस के पूरे स्क्वाड का और पूरे क्रू का एनवायरमेंट ख़राब है, क्योंकि हार्दिक पांड्या की लग तो नहीं रहा कि दोनों सीनियर प्लेयर्स, मोस्ट सीनियर प्लेयर्स जो कि रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह उन दोनों से बन रही है, जो कि ये शो करता है कि हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं अपने स्टांस को लेके गलत हैं। उनको थोड़ा सा ग्राउंडेड होना पड़ेगा, थोड़ा सा हम्बल होना पड़ेगा, वरना चीज़ें उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल होती जाएंगी। वो अपना पहला मैच हार गए, दैट टू अगेंस्ट हिज एक्स टीम जो कि गुजरात टाइटन्स की है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि इतनी एरोगेंसी अगर है तो किस बात की, व्हेन यू आर नॉट इवन एबल टू यू नो मेक योर टीम विन द मैच। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। पहली बात तो ये कि मुकेश अंबानी जो कि मुंबई इंडियंस के मालिक हैं, उनको कप्तानी जो है ना रोहित शर्मा के बाद अगर किसी को देनी ही थी तो वो जसप्रीत बुमराह को देते। जसप्रीत बुमराह इज़ द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर द डिजिग्नेशन ऑफ कैप्टनसी आफ्टर
रोहित शर्मा, लेकिन उन्होंने उसको नहीं दिया। अब जसप्रीत बुमराह अपने आप को ऑक्शंस में भी अवेलेबल नहीं करवाता, ये उसकी लॉयल्टी की हद है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लो कि फिर बुमराह को कप्तानी क्यों नहीं दी, इतने मतलब लेजेंडरी बॉलर को आपने कैसे ओवर शेडो कर दिया। आप मतलब अपने कैंप में देखा ही नहीं आपने कि कप्तानी किसको हैंड ओवर करनी है। आप गए, आपने देखा, आपने कंसिडर किया, तो वो अगली टीम के कप्तान को आप वहां से खींच के लेकर आए हो। तो ये इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी थी, क्या बात थी, मेरी तो समझ से बाहर है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आई एल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, में इंतजार करती हूँ, लेकिन कोई कमेंट ही नहीं होता तो ये बहुत गलत बात है। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है कि जो कमेंट करेगा ही और शी विल गेट अ चांस टू रिकॉर्ड अ शो विद मी। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा बहुत कर दिया करें कॉपरेट, बाकी कॉपरेट मैं कर दिया करूंगी। चलते हैं, आज हमारी वीडियो का यहीं पे एंड होता है। थैंक यू सो मच, दिस इज लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ।